टेलीविजन का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो एक बार फिर से न्यू सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस की वजह से घर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, तो इस बार ये सीजन काफी डिफरेंट होगा। शो के 14th सीजन को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, खासकर कंटेस्टेंट की लिस्ट को लेकर। इस बार सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट है राधे माँ। शो के शुरू होने से पहले ही राधे माँ सबसे ज्यादा न्यूज में है। वही अब मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी पेमेंट से लेकर मेकर्स से एक बात पर डिसएग्रीमेंट तक कई तरह के चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बिग बॉस के घर में मेकर्स ने राधे माँ की एंट्री कंफर्म कर दी है। बीते मंगलवार राधे माँ का एक वीडियो कलर्स चैनल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया था, जिसमें वो बिग बॉस के घर में एंट्री करते दिखाई दे रही हैं। वहीं बैकग्राउंड में उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में राधे माँ की पेमेंट को लेकर दावा किया जा रहा है कि राधे माँ की पेमेंट इतनी बड़ी है कि वो बिग बॉस 14 की सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली कंटेस्टेंट बन गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि राधे माँ को बिग बॉस के घर में रहने के लिए हर हफ्ते 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये ऑफर इस सीजन में आने वाले सभी कंटेस्टेंट से ज्यादा है। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। इसके अलावा स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट में राधे माँ और शो के मेकर्स बीच डिसएग्रीमेंट का दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिग बॉस के मेकर्स ने उनसे उनका त्रिशूल घर के बाहर ही छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन राधे माँ ने इसके लिए मना कर दिया। राधे माँ का मानना है कि इस त्रिशूल में सारी शक्तियां हैं। बताया जा रहा है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के लिए नियम है कि वो कोई ऐसी चीज घर में नहीं लेकर जा सकते जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच सके। अब देखना होगा कि इस डिसएग्रीमेंट का क्या अंजाम होगा। बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।